लालू प्रसाद यादव का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? ह्यूमर, हंसी मजाक, लतीफा? मोदी, मोदी, मम्मी, पापा जी, दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, चंदा के पैसा से जलपान करिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जरा क्रिटिकल होकर सोचिए तो आप कह सकते हैं भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद या फिर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाला वगैरह वगैरह। बिल्कुल, बिहार में पिछड़ों दलितों के राजनीतिक उभार का हीरो और चारा घोटाले का सजा याफ्ता मुजरिम लालू प्रसाद यादव राजनीति का वो डॉक्टर है जिसे आप पसंद करें या ना करें लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो नेता जो सत्ता से बाहर भले रहा हो लेकिन चर्चा से बाहर कभी नहीं रहा। लालू की इस अतरंगी और स्याह तस्वीर को समझने के लिए आइए चलते हैं जरा फ्लैशबैक में। अक्टूबर 1990, देश मंदिर वहीं बनाएंगे के नारों से गूंज रहा था। गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा ने देश भर में हलचल मचा रखी थी। अमन चैन बिगड़ रहा था लेकिन प्रशासन चाहकर भी यात्रा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पा रहा था। 23 अक्टूबर 1990, बिहार के समस्तीपुर से गुजर रही रथ यात्रा का पहिया 42 साल के एक युवा मुख्यमंत्री ने रोक दिया। उस मुख्यमंत्री का नाम था लालू प्रसाद यादव। आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया और लालू रातों रात सेक्युलर पॉलिटिक्स के बड़े नेता बन गए। लालू यादव ने छात्र नेता के तौर पर राजनीति की शुरुआत की। जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे दिग्गजों की छत्र छाया में उन्होंने पॉलिटिक्स की ABCD सीखी। इमरजेंसी के दौरान कई महीने जेल में काटे। उनकी बड़ी बेटी मीसा के नामकरण की बड़ी दिलचस्प कहानी है। लालू मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा कानून के तहत जेल में बंद थे। उसी दौरान बेटी का जन्म हुआ तो लालू ने कहा कि नाम मीसा ही रख दो। सिर्फ 29 साल की उम्र में लोकसभा का चुनाव जीतकर लालू यादव संसद पहुंचे। अपनी रैलियों में 1974 की संपूर्ण क्रांति का नारा दोहराते हुए 10 मार्च 1990 को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1995 में दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1997 में लालू ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD नाम से अलग पार्टी बना ली। 90 के दशक में लालू यादव का जलवा अपने चरम पर था। बिहार में नियम कानून की कोई कीमत नहीं थी, जो लालू कह दें वही कानून था। उस दौरान बिहार में अपहरण और फिरौती का एक पूरा उद्योग, पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी। लालू के राज को जंगल राज तक कहा गया। लेकिन अपर कास्ट के खिलाफ उन्होंने मुस्लिम और यादव वोट की वो जुगलबंदी बिठाई कि सूबे की सियासत के सरमाएदार बन गए। साल 1997 में मुख्यमंत्री रहते चारा घोटाले में फंसे तो अब तक एक हाउसवाइफ रही अपनी पत्नी राबड़ी देवी को CM की कुर्सी सौंपकर सबको हैरान कर दिया। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे, देश के रेल मंत्री रहे, फिलहाल भी वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी रही RJD के नेता हैं। चारा घोटाले में उन्हें CBI की स्पेशल कोर्ट से सजा हुई है। उनकी उम्र 70 पार कर चुकी है और उन्हें अब तक 25 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जा चुकी है। सेहत बिगड़ने के कारण इन दिनों उन्हें रांची के एक सरकारी अस्पताल में रखा गया है जहां वो हफ्ते में सिर्फ 3 लोगों से मिल सकते हैं।